यहाँ पे जिप लाइन है सामने और अविशा का बहुत इरादा हो रहा है कि जिप लाइन पे जाने का, लेकिन हम खुद सोच रहे हैं कि यार ऐसा ना हो बीच में ये डर जाए। तो हम लोग जब नारायण पहुँचे तो उस वक्त टाइम था हमारे पास 2 से, यानी कि काफ़ी पहले का टाइम था, तो हमने सोचा कि नारायण से आगे क्यों ना चला जाए, तो इसलिए हम थोड़ा सा मज़ीद आगे आ गए हैं। और चूँकि मैंने कहा था कि 2 बजे तक का टाइम है, 2 बजे से वापसी होगी, तो इसीलिए हम लोग मज़ीद अब आगे जा रहे हैं बाटा कुंडी की तरफ। और बस वो एंड हो गया। इस बार आकर इस ट्रैफिक और इस रश को देखकर मुझे ये मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर हम लोग जब बाइक्स पर एनुअल ट्रिप पर आते हैं तो हमें इन दिनों आना चाहिए, क्योंकि इन दिनों रश बहुत ज़्यादा कम होता है और कम रश की वजह से होटल्स और रेस्टोरेंट्स में मैनेज हो जाएगा, मतलब कम पैसों में बात बन जाएगी जो रश में नहीं बन पाती, क्योंकि जब पीक सीज़न होता है तो उन दिनों बहुत ज़्यादा रेट होते हैं और अब नॉर्मल इंक्रीज़ होती है हर चीज़ की और मिलता भी बहुत कम सामान है। दुकान नज़र आ गई तो कुछ खाने का भी ले लें और कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह और बच्चों के लिए भी कुछ ले लेते हैं। वरना मेरा बहुत ज़्यादा दिल है कि हम और नहीं तो